मेरे दो बच्चे हैं, मेरे को उनके स्वास्थ्य की बहुत फिक्र रहती थी। पानी आने के बाद में हमें बहुत फायदा हुआ है, बच्चों को बीमारी कम हो गई है, स्वास्थ्य में सुधार आ गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2000 रुपया हमारे कंटिन्यू 4 महीने पड़े से अने एक वर्ष ना 6000 रुपया आवे से अने ये पैसा हूँ खेतीबाड़ी में अथवा खातर लावा में बियारण लावा में वापरू छू। ജീവൻ പോലും പോയ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു, അത്രയും നന്ദിയുണ്ട്, ആരോഗ്യ ആയുസ്സും നൽകട്ടെയെന്ന് സാറിന്. വോ കഹതാ ഹൈ കി ആജ് വോ ജിന്ദാ ഹൈ കി മോദി കെ കാരണ ഹൈ. തോ മുജെ തുമ്ഹാരെ പഡോസ് മേ രഹനെ കെ ലിയെ ആനാ പഡേഗാ. മോദി ജി കി നിങ്ങടെ അയൽവക്കത്ത് വന്ന് താമസിക്കണമെന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. ആയുഷ്മാൻ കാർഡ് നഹീ ഹോതാ തോ ആപ് ക്യാ കർതെ? മർ ജായേഗാ യേ ഇസ്കാ അലാവാ ഐസാ ബോൽതാ ഹൈ. मेरा नाम कृति कुमारी है और 5 साल पहले मैं जल गई थी, तो पापा इलाज करते करते मतलब इलाज हो रहा था तभी आपका योजना नहीं हुआ था, तो पैसा लग रहा था तो पापा का काम बंद हो गया, पता किए तो आयुष्मान का योजना जानकारी में आया, तो ऑपरेशन करने के लिए गया तो अभी गला का ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। मैं बोकारो जिला गोमिया थाना के रहने वाला हूँ, बोकारो थर्मल में काम कर रहे थे तो ब्रिज के ऊपर से काम करते हुए मैं गिर गया। आयुष्मान के तरफ से दवा आता था तो बहुत फ़ायदा हमको हुआ उससे, और अगर वहाँ से नहीं होने से हो सकता है कि आज हम धरती में नहीं भी रह सकते थे। योजना के बारे में सर मैंने जानकारी ली, पहले नेट से ली और टीवी पे भी एडवर्टाइज आती रहती थी, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपने वाले लोगों से सलाह ली, सभी ने मुझे अच्छी सलाह ली, फिर मैंने बैंक में जाकर कांटेक्ट किया, उन लोगों ने भी बताया कि आपके पास फॉर्मेलिटी के कागजात अगर पूरे हैं तो आपको लोन मिल जाएगी, तो आसानी से मुझे बढ़िया तरीके से लोन मिल गया। बहुत दिन से बीमार थे और इस कार्ड के द्वारा हमको लाभ मिला, आयुष्मान कार्ड के द्वारा, और कहीं गए थे तो वहाँ 70-75 हज़ार मांग रहे, तो इस दौरान कि आपका इलाज इतना होगा प्राइवेट में, और इस कार्ड के माध्यम के हमें बहुत सहयोग मिला। हमें पीएमजीएसवाई की योजना के तहत हमें कच्चे मकान थे हमारे, और इस योजना के तहत हमें पैसे मिले, जिससे हमें अपने थोड़े पैसे लगाने के बाद हमें अच्छे मकान बनाए, और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते। पहले जो है कि हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे तो सभी महिलाओं को प्रॉब्लम होती थी, चाहे बुजुर्ग हो या फिर चाहे हमारे जैसी कोई भी हो, और अब खाना भी जल्दी बना लेते हैं। भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला गैस मिल चुका है, अब पहले मैं चूल्हे में खाना बनाती होती, अब मैं गैस में खाना बनाती हूँ, भारत सरकार के धन्यवाद। मुझे रहने के लिए मकान नहीं था, अभी पीएम आवास के तहत मेरे को मकान मिला है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार हूँ। किसान सम्मान निधि से 2000 रुपए मिलते हैं, जिससे मुझे खेती बाड़ी करने में मदद मिलती है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। पहले मेरे गांव में कोई लकड़ी का साधन नहीं था, धुएं से बुरे हाल होते थे। धन्यवाद करती हूँ मैं केंद्र सरकार का, जिन्होंने मुझे इस योजना के लायक समझा और मुझे गैस कनेक्शन का उपलब्ध कराया, और 2 फ्री के सिलेंडर भर कर मुझे प्रदान किए गए। अच्छा फैजल, आप भी तो आई गॉड कर्मयोगी का जरूर लाभ लेते होंगे, उस प्लेटफॉर्म पर आपको कितनी मदद मिली, व्यक्तिगत रूप से आपको क्या बेनिफिट होता है? जी सर, नए ज्वाइनीज के लिए जो कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल बनाया गया है, मैंने उसके सभी 8 कोर्सेज किए हैं। ऑनलाइन होने की वजह से इन कोर्सेज को करना बहुत आसान रहा, आगे चलकर मैं कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से और भी कोर्सेज करना चाहूंगा। डाक निर्यात केंद्र का असर ये है कि जो चीज़ मेरे घर से कभी जाती थी किसी और सौजन्य से जाती थी उसमें टाइम भी लगता था, यहाँ पे मुझे एश्योरिटी मिली है कि मेरे माल की अच्छी तरह से पैकिंग होती है, टैगिंग होती है, मुझे एक रसीद बाज़ाब्ता तौर मिलती है जिसको मैं घर में टैली करता हूँ कि मेरा जो माल है वो कहाँ पर पहुँचा है, और एक अच्छे समय पर बिल्कुल कम समय पर मेरे ग्राहक तक मेरा माल पहुँचता है। जीविका से 1 लाख रुपया मिला था जिससे हम अपना दुकान शुरू किए थे, और अभी दुकान चलते चलते अभी 4-5 लाख की पूंजी है मेरे पास, और मेरे पति और मैं साथ में काम करती हूँ।